मैम। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 77। यस मैम, कर लिया, बोल लिया। पेज नंबर 77 क्वेश्चन वर्कआउट। नाउ यू हैव टू ऐड दीज इंटीजर्स। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दीज इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करने से पहले कुछ दो तीन रूल्स होते हैं जो आप लिखेंगे। संस्कार अपनी शक्ल दिखानी है, फैन को नहीं दिखाना है। ओके, नाउ लिसन। अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हम ऐड करते हैं तो उसमें दो तीन रूल्स होते हैं, ठीक है? दो तीन रूल्स होते हैं ऐड करते हुए। सबसे पहले दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है? अगर आ रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट लगाएंगे, समझ गए? ये फर्स्ट रूल है। देखो, जब आप 77 पेज नंबर, सॉरी 77 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो आपको दिखेगा। यस मैम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 1 देखेंगे तो आपको दिखेगा ब्रैकेट लगा रखा है। इवन प्लस के भी दो साइन है तो ब्रैकेट लगा रखा है, करेक्ट? अब क्वेश्चन ये है कि इसको फिर ब्रैकेट से निकाला कैसे जाए। उसके लिए दो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर कहीं पर दो प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस, ठीक है? ये मल्टी, ये सब में काम आएंगे तो आपको ये याद होना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। देखो, अगर दो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, दो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब अगर एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और अगर एक माइनस एक प्लस है तब भी माइनस, समझ गए? अगर दो प्लस है तो माइनस, दो माइनस है तो प्लस, अगर कहीं पर एक प्लस एक माइनस है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों में माइनस आएगा। आसान है? यस मैम, ये तरीका तो अभी याद हो गया। इन साइंस को यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। एडिशन में हम अलग तरीके से यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम अलग तरीके से, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक तरीके से यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है? अभी हम एडिशन में यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एडिशन ही बताऊंगी। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यस करेक्ट? यस मैम, यस मैम। फाइव एमएम, फाइव एमएम, कोई बात नहीं, ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन है, साइंस पे ध्यान दो, ठीक है? तो पहले तो हमने ब्रैकेट खोला क्योंकि यहाँ प्लस 11 है। अगर फर्स्ट डिजिट में, हनी वीडियो ऑन, अगर फर्स्ट डिजिट में आपका प्लस लगा हुआ है, फर्स्ट डिजिट 11 है, तो आप इसको बिना साइन के भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? बिना साइन, यानी सिर्फ 11। अगर कहीं पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो उसका साइन प्लस है, इसीलिए नहीं लगा हुआ, ठीक है? अब इसका ब्रैकेट कैसे खोलेंगे? प्लस प्लस क्या होता है? मैम, प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओ सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, प्लस 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 होता है, सॉरी, प्लस 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 होता है। हाँ, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर 15 है तो 15, समझ गए? ठीक है, एक बार और साइन रिवाइज करवा देती हूँ। मेरे आई डोंट नो कैसे मैंने गलत बोल दिया। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, और इसमें अगर मैम माइनस माइनस, माइनस माइनस है तब भी प्लस। देखो, अगर सेम साइन है तो दोनों में प्लस आएगा, और अगर अलग अलग साइन है तो दोनों में माइनस आएगा, समझ गए? ये तरीका है, ठीक है? माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ गए? ओके मैम। अगर सेम साइन है तो प्लस ही आएगा, और अगर अलग अलग साइन है तो माइनस ही आएगा, ठीक है? अब देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है 12, आपको दिया हुआ है प्लस, और यहाँ दिया हुआ है माइनस 7, करेक्ट? तो यहाँ माइनस है तो क्या मेरे को यहाँ लगाने की जरूरत है या बिना लगाए काम चल जाएगा? मैम, इधर बिना काम चल जाएगा, प्लस लगाना है,
बेटा अगर आपका साइन कोई नहीं लगा, अगर मैं सिर्फ 12 लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस लगा हुआ, मगर क्या यहाँ आपको प्लस दिया हुआ था? नो मैम। तो हमेशा माइनस को जरूर लगा दे, ठीक है? प्लस माइनस क्या होता है मैम? प्लस माइनस माइनस। गुड, तो माइनस 7, ठीक है? अब देखो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। गुड, तो अब क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे इन दोनों डिजिट्स को, क्या करेंगे? प्लस प्लस आएगा, जब आप प्लस या माइनस करते हैं तो जब आपका लास्ट वाला डिजिट जो लास्ट आंसर होता है या जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो हमने माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, और साइन किसका आएगा? तो जो बड़ी वाली डिजिट है उसका साइन आएगा। इसमें 12 बड़ा है या 7? मैम 7। मैम बड़ा है 7। 12 बड़ा है, तो 12 के आगे माइनस लगा है या प्लस लगा है? मैम 12 माइनस लगाता मैम। मैम 12 के आगे प्लस लगा है तो आंसर भी माइनस है, समझ गए? माइनस, यस मैम। पहले आप ऐड करेंगे साइंस का इस्तेमाल करके, और साइन लगाएंगे साइंस का इस्तेमाल करके, नहीं कि जो बड़ा है उसका साइन आता है। प्लस माइनस में हमेशा याद रखना है साइन वही आएगा जो बड़ा है, समझ गए? यस मैम। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब, इसीलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं? प्लस माइनस माइनस, ठीक है? यस। मल्टीप्लाई में हम साइन कैसे लगाते हैं? रूल का इस्तेमाल करके, ठीक है? और प्लस में साइन कैसे लगाते हैं? जो डिजिट बड़ी उसी का रूल रहता है तो वही साइन है, ठीक है? समझ गए? यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे हनी बताएंगे कि मैं क्या करूं नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? सारे स्टेप्स आप मेरे को बताएंगे, कब एरो लगाना है, कब साथ में लिखना है। बताइए हनी, फर्स्ट बताइए स्टेप। मैम माइनस लगा के मैम 14 लिखेंगे। ओके मैम, फिर प्लस प्लस लगा के मैम 23 लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है मैम? प्लस माइनस, प्लस माइनस तो मैम माइनस होता है। जब भी ब्रैकेट लगता है इसका मतलब दो साइंस के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है? अब आगे बोलो मैम। मैम इसको मैम वो कर देना मैम, माइनस कर देना मैम। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। 23 और 14 को जब आपने प्लस किया तो क्या आया? 37। 37, और साइन किसका आएगा मैम? साइन आएगा मैम माइनस का, माइनस का, बड़े वाले का साइन आता है तो माइनस का है, समझ गए? डिजिट्स के साथ प्लस करना है या माइनस करना है ये साइन आपको बताएंगे और रूल बताएगा। माइनस प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस, प्लस प्लस लगाए तो प्लस, माइनस माइनस लगाए तो भी प्लस, ठीक है? समझ गए? यस मैम। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके चारों पार्ट मैम 5 हैं। पांचवा पार्ट, यस 5 क्वेश्चन फर्स्ट, अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसके आपको चलो एक्सरसाइज में से दे देती हूँ मैं, ठीक है? 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है इसीलिए दे रही हूँ एक्सरसाइज में से, वरना दो दो बारी करना पड़ेगा मैम। 4.1 का 4.2 मैम, वही कहें हम। यस 4.2 में से ऑल पार्ट्स करने हैं। आपसे भी पूछूं मैं? यस मैम पूछो। यस मैम बताइए क्या लिखूं मैम? सबसे पहले माइनस 2 उतारेंगे। ओके मैम, फिर प्लस और माइनस है तो मैम माइनस उतारेंगे। फिर मैम फिर 7 उतारेंगे। फिर मैम उसके बाद दो बार प्लस है तो मैम प्लस 3 उतारेंगे। अब मैम हमें सबसे पहले दे रखा है कि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस,
तो मैम नीचे हम प्लस करके 9 लिखेंगे। मैम 9 के बाद प्लस का साइन लगा के 3 लिखेंगे, उसके बाद मैम आंसर 12 लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर साइन नहीं लगेगा? यस मैम लगेगा। कौन सा साइन आएगा मैम? इसके आगे आएगा मैम -7 वाला साइन, माइनस का। अब मेरे को बताओ क्या होगा मैम? इधर की साइड हम जब 12 लिखेंगे तो मैम माइनस में 12 अभी भी 12 आएगा। चेक करो माइनस प्लस क्या होता है। ओ माइनस प्लस माइनस, तो मैम लिखेंगे 9 - 3 = 6। साइन किसका मैम? साइन लगाएंगे हम माइनस का। समझ गए? यस मैम। अगर आप एक साइन मिस कर देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा उसमें, ठीक है? अगर 3 डिजिट का भी है तो ऐसे ही करना, पहले 2 डिजिट को करो, फिर उसके बाद 3 डिजिट को, 3rd डिजिट को करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं मैम? हाँ कर सकते हैं। 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क। यस मैम लगा लिया 4.2। चलिए अब नंबर लाइन वाले पे कॉपी में करते हैं सारे पार्ट, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन वर्कआउट पेज नंबर 78 के ऊपर जहां पर 4.2 है वहीं पर आपको ऊपर क्वेश्चन वर्कआउट दिया हुआ है मैम, दिया है। अब आपको नंबर लाइन में ऐड करना है। किसमें ऐड कर रहे हैं? नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन में कैसे ऐड करते हैं ये देखो, ये नंबर लाइन दीजिए आपने। यस मैम, ठीक है। बीच में 0 लगाया, आपको +6 करके -10 करना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो मुझे ऐसे रफली बताओ आंसर क्या आएगा इसका। मैम इसका आंसर बता रहे हैं ओरली कैलकुलेट करके, पेन का इस्तेमाल नहीं करता। ओके फिर ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं मैम। मैम उसका मैम वर्कआउट करना था ना क्वेश्चन का? हाँ क्वेश्चन वर्कआउट फर्स्ट का ये पार्ट। यस मैम वही कर रहे हैं बिना उसके ओरली। बताइए मैम -4। हनी अपना आंसर बताओ। मैम यस मैम -4। -4 क्या होता है? -4। ठीक है -4 आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी भी डिजिट्स आपको क्वेश्चन में दिए यानी 6 ठीक है और -4 आपके नंबर लाइन में होने चाहिए वो नंबर्स, ठीक है? मेरे को दोनों दिख रहे हैं, 6 भी मैंने लिख लिया, -4 भी लिख लिया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो पहले आपको लिखा है प्लस के 6 पे जाओ, तो मैं यहाँ प्लस के 6 पे आ गई, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला है, प्लस माइनस माइनस होता है, -10 करो, ठीक है? क्या करो? -10। देखो यहाँ पर कॉर्नर में आप करके देख लेंगे, दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर जो मैंने अभी प्लस लिखा है? देखो पहले आपको करके देख लेना है कि यहाँ मेरे को करना क्या है। अब आपका है कि माइनस करना है मेरे को, यानी प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा 4, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पर मेरे को माइनस करना है 10, ठीक है? देखो इसका मतलब क्या है, 6 पर आप खड़े हो, आपको -10 करना है। माइनस का मतलब इस साइड जाना है कि इस साइड जाना है? मैम इसकी साइड जाना, नेगेटिव साइड। हाँ लेफ्ट साइड पर जाना है, करेक्ट। इसका मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना, इसको भूल जाओ। अरे यार ये गलत कर दिया, ठीक है इसको नहीं करना, इसको भूल जाओ, डायरेक्ट आ जाएगा इसमें से। 6 से आपको -10 करना है, यानी लेफ्ट साइड पर 10 टाइम्स जाना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? अच्छा मैम इधर -6 से 10 चल के हमें जाना था -4 पे, ठीक है? समझ गए? जब आप इसको काउंट करोगे तो वही आएगा, मगर आपको साइंस पहले देखने की, अगर 2 प्लस के साइन लगे तो मेरे को प्लस करना है कि माइनस करना है, समझ गए? ओके मैम।
लेफ्ट और राइट साइड का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। Add out without you using number line. अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन सी पार्ट सी। माइनस फोर से आपको प्लस करके एट पे जाना है, यानी माइनस फोर में एट प्लस करना है। तो अभी मैं माइनस फोर पे हूँ, यस, मेरे को एट प्लस करना है। प्लस करना है राइट साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में? जहाँ पे खत्म होगा और सर्कल भी करना है, ठीक है? ओके, नंबर लाइन पे ऐड करना आ गया? यस। पहली डिजिट में स्क्वायर बनाएंगे, एरो को चलाएंगे, लास्ट डिजिट में सर्कल करेंगे। ओके मैम, लास्ट में चाहो तो इक्वल टू करके अपना आंसर लिख सकते हो, फोर। ओके मैम, नंबर लाइन के नीचे, समझ गए? ओके मैम, दो तरीके से ऐड दिया होगा, या तो आपको दिया होगा। आपकी क्लास कब तक होती है भाई? 45 तक ना? यस मैम, 11:45। ठीक है, दो तरीके से दिया होगा, या तो आपको दिया होगा कि ऐड करो नंबर लाइन के साथ यूजिंग नंबर लाइन, या विदाउट नंबर लाइन करो। अगर विदाउट नंबर लाइन करोगे तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है? और अगर नंबर लाइन से करोगे तो ऐसे करना है। दोनों चीजें समझ में आ गई? यस मैम, ऐसे भी कर सकते हो नंबर लाइन से। क्वेश्चन नंबर थ्री कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर थ्री मैम सेम है जो अभी आपने समझाया है। yes. एक चीज और देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो मैंने देखा है, तो मेरे को एक चीज याद आई है। मम्मी बस तुमने के बाद आई, थोड़ा धीमा करना। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो, ई पार्ट को देखो, ई और एफ पार्ट। अब इसमें तीन तीन है भाई, क्या किया जाए? एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट पहले माइनस थ्री है, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है? माइनस थ्री से। कहां से स्टार्ट करना है? माइनस थ्री। माइनस थ्री से इन्होंने मेरे को बोला है कि भाई प्लस सिक्स करो। प्लस सिक्स यानी राइट साइड में सिक्स टाइम्स जाऊंगी मैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। लो पहुंच गई, ठीक है? तो अभी एरो नहीं लगाना, अभी अभी एरो मत लगाना। इरेजर का इस पूरी लाइन बिटवीन, ठीक है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स, ठीक है? जब तक फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक एरो नहीं लगाना। अब आपको बोला कि माइनस टू करो। माइनस टू यानी दो टू टाइम्स लेफ्ट साइड जाएंगे कि राइट साइड? मैम लेफ्ट साइड। हम इधर की साइड, नेगेटिव साइड होता है ये, लेफ्ट साइड के राइट साइड। मैम लेफ्ट, लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट पे, जिससे लिखते हो आप वो राइट साइड होता है, जिससे नहीं लिखते हो वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है? ठीक है, तो अब इसने माइनस टू बोला है, तो दो बारी हम फिर से वापस जाएंगे, वन और टू। ये अब एरो लगेगा और यहाँ पर लगेगा सर्कल, समझ गए? बिल्कुल। अभी मेरे एक्चुअली मार्कर है, जब आप ये बनाएंगे तो बिल्कुल नीटली बनाएंगे, इक्वली बनाएंगे, साफ साफ। और जब ऊपर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे नीटली, ठीक है? और फिर आप जो अंदर आपका आएगा उसको सर्कल करेंगे, कोई दिक्कत? नो मैम। अच्छा, आप इसमें भी वैसे एरो लगा सकते हैं, ठीक है? दो जगह एरो लगाना है, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि आंसर को हम सर्कल करेंगे, ठीक है? तो इक्वल टू आपका आंसर क्या आया? वन। अगर कभी आपको चेक करना है कि आपने नंबर लाइन में सही बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो। जैसे मेरा यहाँ माइनस थ्री था, प्लस सिक्स था, और फिर प्लस माइनस माइनस टू था, करेक्ट? तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सिक्स प्लस का आएगा, ओ सॉरी, थ्री प्लस का आएगा, और यहाँ माइनस टू है, तो माइनस करके क्या आया? वन। और बड़े वाले का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस वन। तो क्या मेरा आंसर प्लस वन आ रहा है? यस मैम, कंफर्म आ रहा है। तो मेरा आंसर ठीक किया है मैंने, समझ गए?
अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फोर। हाँ मैम देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, आपको दिए हुए फोर मोर देन थ्री। अब इसको कैसे करेंगे, यानी चार क्या करना है, चार आपको किससे ज्यादा लिखना है, तीन से। यानी स्टार्ट, बस मेरे को आप इतना बताइए, संस्कार बताएंगे पहले कि हमें फोर पे, फोर से स्टार्ट करना है या थ्री से स्टार्ट करना है। मैम हम स्टार्ट करेंगे फोर से। हनी आप बताइए, मैम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे, फोर से। फोर से नहीं स्टार्ट करेंगे, जब भी मोर देन होता है मतलब ये वाली डिजिट पहले आएगी, इसका मतलब है थ्री मोर देन का प्लस फोर, समझ गए। तो जब हमारी फर्स्ट डिजिट होती है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको करेंगे कैसे, ये देखो आपने लिखा फोर मोर देन थ्री, तो आप लिखोगे थ्री प्लस फोर और उसके बाद बनाएंगे नंबर लाइन, समझ गए। Yes, ma'am. और फिर नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे, सारे चीजों में ऐसे करते हैं, जब भी देन लगा होता है देन, तो यानी पीछे वाली डिजिट जो है वो आगे लिखनी है सम बनाते हुए। अगर माइनस का साइन हो तो तब भी आगे लिखना है, इससे आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ओके मैम, समझ गए, क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा। यस मैम, इसमें भी नंबर लाइन पहले ऐसे करके फिर नंबर लाइन ही बना। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको करना है और फोर आपको करना है नोटबुक। क्वेश्चन नंबर वन, थ्री एंड फोर आपको करना है इन नोटबुक। क्वेश्चन नंबर मैम थ्री एंड फोर इन नोटबुक, वन टू थ्री। क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, मैम थ्री फोर वन है ये, वन मैम लिख लिया, ठीक है। इन नोटबुक, डायरी में लिख लो, डायरी में। एंड क्वेश्चन टू इन रफ, एंड क्वेश्चन टू इन रफ। मैम लिख लिया, मैम लिख लिया, क्वेश्चन नंबर टू आप रफ में करेंगे और ट्राई करेंगे, रफ कॉपी पे मैं देखूंगी आपने क्या किया। अगर पुराने क्वेश्चन नहीं किए तो खत्म करने हैं, क्वेश्चन वर्कआउट मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हैं, तो यही क्वेश्चन आप करेंगे, समझ गए। ओके मैम, नो मैम, नो मैम, अब कोई डाउट नहीं। यस मैम, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर सेवन इन बुक। ओके लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, एंड क्वेश्चन सेवन इन बुक। मैम लिख लिया, लिख लिया, यस मैम, कोई दिक्कत, नो मैम, नो मैम। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, यू हैव टू डू ऑल दीस क्वेश्चंस बाय टुमारो, इज दैट क्लियर। Yes, tomorrow ma'am. You yes, will ma'am. Have a class. Okay, because हमारी Wednesday को class नहीं हुई थी. Hello. Yes, ma'am. Lunch class. जब lunch आएंगे तो आपको उनको काम दिखाना है, उनकी तबीयत खराब है, वो अपने गांव गए हुए हैं, सो यू हैव टू शो हिम योर वर्क, ठीक है। यस मैम, अगर वो आएंगे ना, या फिर मैम वो सॉरी फोटो मांगेंगे तो हम भेज देंगे। ओके, आज की क्लास हम लोग एंड फिनिश कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज खत्म करेंगे। मैम उनका नंबर क्या, मैम नंबर भी नहीं जुड़े हुए हमारे, बात नहीं कोई बात, तो ये क्वेश्चन आपको फिनिश करने और कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और कल आपकी क्लास होगी। ओके, बिकॉज वेडनेसडे वी वर ऑन ऑफ, सो टुमारो आई विल टेक योर क्लास। ओके मैम, ओके बाय।